नमस्कार, विभाग्यश्री बीसीएन न्यूज के बिजनेस समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिना ईवी बिल के जाने वाले वाहनों की तत्काल मिलेगी जानकारी, दुरुपयोग करने वालों पर कसे का शिकंजा। फिटनेस की 40 टेस्ट करनी होगी पास, तभी दौड़ पाएंगी 20 साल पुरानी गाड़ियाँ। कर्ज में डूबी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड को कर्ज दे रखे संस्थानों से कंपनी के मौजूदा वित्तीय ऋण को लेकर पुनर्गठन योजना को मंजूरी मिल गई है। यह मंजूरी भारतीय रिजर्व बैंक की कोविड संबंधी दबाव के लिए लाई गई समाधान व्यवस्था के तहत दी गई है। फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि पुनर्गठन योजना अब मंजूरी के लिए आरबीआई द्वारा की वी कामत की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति को भेजी जाएगी। कंपनी के अनुसार समाधान योजना के तहत एफआरएल द्वारा गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के जरिए जुटाए गए ऋण भी मौजूदा कर्ज का हिस्सा होगा और उसे भी पुनर्गठित करने का प्रस्ताव है। सूचना में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल ने भी शनिवार को हुई बैठक में पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी थी। कंपनी को समाधान रूपरेखा के साथ वित्तीय दबाव से बाहर निकलने की उम्मीद है। शेयर बाजार को भेजी गई सूचना में कहा गया है कि निदेशक मंडल की 17 अप्रैल 2021 को हुई बैठक में बैंकों से लिए गए मौजूदा सुरक्षित वित्तीय कर्ज को लेकर पुनर्गठन योजना को मंजूरी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। केंद्र सरकार की नई कबाड़ वाहन नीति के तहत फिटनेस टेस्ट की 40 बाधाएं पार करने के बाद ही पुराने वाहन सड़कों पर दौड़ पाएंगे। सरकार ने ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर खोलने और उनके संचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 15 साल पुराने व्यावसायिक व 20 साल पुराने निजी वाहनों के लिए 1 अक्टूबर 2021 से देश में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसमें उक्त सेंटर से फिटनेस प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही पुराने वाहनों को चलाया जा सकेगा। अनफिट होने पर उनको एंड ऑफ लाइफ यानी कबाड़ की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हितधारकों के सुझाव आपत्ति के लिए ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटरों की मान्यता विनियमन और नियंत्रण संबंधित मसौदा अधिसूचना जारी कर दी है। इसके मुताबिक आगामी 1 अक्टूबर 2021 से फिटनेस सेंटरों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि पुराने वाहनों को उक्त सेंटरों से फिटनेस की कड़ी जांच प्रक्रिया पर खरा उतरने के बाद फिटनेस प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुराने वाहनों को ब्रेक सिस्टम, स्टेयरिंग, हेडलाइट, सस्पेंशन, बैटरी, साइलेंसर, उत्सर्जक स्तर, हॉर्न, स्पीडोमीटर, स्पीड गवर्नर, टायर, इलेक्ट्रिकल वायरिंग, व्हीकल ट्रैकिंग डिवाइस आदि 43 प्रकार की जांच से गुजरना होगा। उक्त मानक में से किसी एक भी फेल होने पर वाहन को अनफिट कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। कोविड 19 महामारी की वजह से बीते वित्त वर्ष 2020 से 21 में देश से यात्री वाहनों का निर्यात 39% घट गया। बीते वित्त वर्ष में निर्यात में गिरावट मुख्य रूप से पहली छमाई के दौरान आई है। महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन और अन्य लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों की वजह से यात्री वाहनों का निर्यात प्रभावित हुआ है। हालांकि उद्योग ने दूसरी छमाई में निर्यात को बेहतर करने का प्रयास किया है, लेकिन इसके बावजूद निर्यात का आंकड़ा इससे पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले काफी कम रहा। सियांग के आंकड़ों के अनुसार बीते वित्त वर्ष में यात्री वाहनों का निर्यात 38.92% घटकर 404,401 रह गया है। इससे पिछले वित्त वर्ष 2019-20 में यात्री वाहनों का निर्यात 662,118 रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने SBI जनरल इंश्योरेंस सहित 4 बीमा कंपनियों पर मोटर बीमा से संबंधित कुछ नियमों के उल्लंघन के लिए 51 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। SBI जनरल इंश्योरेंस पर मोटर तीसरा पक्ष MTP कारोबार के लिए नियामकीय प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं करने के लिए 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नियामक ने लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड पर 13 लाख रुपए, बजाज आलियांस जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 10 लाख रुपए और रॉयल सुंदरम जनरल इंश्योरेंस कंपनी पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। SBI जनरल इंश्योरेंस के बारे में अपने आदेश में एडा ने कहा है कि बीमा कंपनी ने वित्त वर्ष 2017 और 18 के लिए MTP प्रतिबद्धताओं को पूरा नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बीसीएन न्यूज। सरकार बिना ईवी बिल के जारी वाहनों के मामले में GST करने जा रही है। इससे टोल प्लाजा पर ट्रकों को पकड़ने और GST चोरी रोकने की मदद मिलेगी।
इसके साथ कर अधिकारियों को उन ईवे बिलों की विश्लेषण रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई जाएगी जहां वस्तुओं की ढुलाई नहीं हो रही है। इससे अधिकारियों को सर्कुलर ट्रेडिंग, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उपयोग के लिए फर्जी बिक्री सौदा दिखाने की धोखाधड़ी के मामलों को पहचानने में मदद मिलेगी। इससे कर चोरी के लिए ईवे बिल के पुनर्चक्रण की भी रिपोर्ट मिलेगी जिससे अधिकारियों को कर चोरी करने वालों का पता लगाने में मदद मिलेगी। माल एवं सेवा कर जीएसटी व्यवस्था के तहत अप्रैल 2018 से 50,000 रुपए से अधिक मूल्य की वस्तुओं को एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजने के लिए ईवे बिल अनिवार्य है। हालांकि सोने को इससे छूट दी गई है। सरकार अब जीएसटी अधिकारियों के लिए RFID यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन पर वास्तविक समय और विश्लेषण रिपोर्ट पर काम कर रही है। इससे ईवे बिल प्रणाली का दुरुपयोग कर रहे लोगों पर शिकंजा चढ़ाया जा सकेगा। ईवे बिल पर एक रिपोर्ट में सरकार ने कहा है कि मार्च 2021 तक की 3 साल की अवधि में 180 करोड़ ईवे बिल सूचित किए गए हैं। इसमें से केवल 7 करोड़ बिलों का सत्यापन अधिकारियों ने किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, BCN न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले आइए डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिना ईवी बिल के जाने वाले वाहनों की तत्काल मिलेगी जानकारी, दुरुपयोग करने वालों पर कसेगा शिकंजा। फिटनेस की 40 टेस्ट करनी होगी पास, तभी दौड़ पाएंगे 20 साल पुरानी गाड़ियां। बिजनेस समाचार में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।